हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हुई हूँ आज रेडी। तो एक फंक्शन में जाना है और फंक्शन है कुआ पूजन का, तो उसके लिए मैंने पहनी है साड़ी और मैचिंग से पहनी है चूड़ियाँ। तो ये साड़ी ना अभी रेडी होके आई थी जब मैं कुआ पूजन पे गई थी, तो मम्मी ने तैयार करवाई थी, वही है। और पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लग रही थी साड़ी। और फिर धर्मश्री भी रेडी हो गए थे और बच्चे हमारे साथ नहीं जा रहे थे क्योंकि बच्चे गए थे अपने फ्रेंड की पार्टी में, क्योंकि उसके फ्रेंड का बर्थडे था इसीलिए। और मैं धर्मश्री का लुक दिखा देती हूँ। इनका ज़्यादातर वाइट शर्ट और पैंट होती है, तो लड़के तो कैसे भी रेडी हो जाते हैं, उनका चलता है, लेकिन ज़्यादा रेडी तो लड़कियों को होना पड़ता है। और उसके बाद हम पहुँच गए थे फंक्शन में, और इस बार मेरे साथ बच्चे नहीं थे ना, तो मैं बहुत ही अकेला अकेला सा महसूस कर रही थी। मैं कभी भी बच्चों के बिना नहीं जाती हूँ जल्दी से, और पहले उनको खिलाती हूँ फिर खुद खाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे अकेले ही खाना पड़ा। और मैंने पूरा फंक्शन इंजॉय किया। लास्ट में फिर मैं गई कॉफ़ी शॉप पे, स्टॉल थी शॉप नहीं, तो मैंने कॉफ़ी ली, कोल्ड कॉफ़ी ली थी। और धर्मश्री यहाँ पे ना जागरण भी हो रखा था, तो धर्मश्री वहाँ पे पूजा करने के लिए चले गए थे और मैंने दूर से ही हाथ जोड़ लिए थे माता रानी के, मैं वहाँ पे नहीं गई थी। और फिर मैं पी रही थी कोल्ड कॉफ़ी, और कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद फिर हमें आना था घर, क्योंकि हमने पूरा फंक्शन इंजॉय कर लिया था। तो खाना वगैरह ही खाना था, तो हमने पूरे फंक्शन में सिर्फ खाना खाया और काफ़ी इंजॉय भी किया, ऐसी बात नहीं है। माता के भजन भी सुने। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे और था रात का टाइम। नेक्स्ट डे फिर बनाया हमने बर्गर, तो ये मैंने नहीं बनाया, ये धर्मश्री ने बनाया था, मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत हेल्प की थी। और ये टिक्कियाँ भी रेडी हुई, जो सिर्फ तलनी होती है ना, पैकेट में आती है बनी बनाई, वो थी, क्योंकि याशी का स्कूल में कंपटीशन था और इतनी मॉर्निंग में ना ये टिक्कियाँ रेडी नहीं कर पाते, इसलिए ये एक दिन पहले ही पूरा पैकेट ले आए थे। और जो बर्गर की ब्रेड होती है वो भी, और ये टिक्कियों का भी, तो सारा सामान ये ले आए थे। याशी आई थी सेकंड नंबर पे, तो उसने बहुत ही अच्छा बर्गर बनाया था। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें रेडी की, फिर बच्चों ने बोला पापा हमें भी बर्गर बनाकर खिलाओ आप अपने हाथ से, क्योंकि धर्मश्री काफ़ी अच्छा बनाते हैं बर्गर वगैरह। तो उन्होंने बनाया और सारी चीज़ें पहले ही रेडी थी, तो सिर्फ मैंने टिक्कियों को तला था, बाकी पूरा बर्गर धर्मश्री ने ही बनाया था। और हम दोनों लगे हुए थे, देखिए फिर इन्होंने मुझे हटा दिया कि नहीं पूरा मैं ही बनाऊंगा, तो मैंने कहा अच्छी बात है बनाओ और मुझे भी खिलाओ। तो फिर पूरा बर्गर इन्होंने खुद ही बनाया, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इन्होंने कैसे कैसे बर्गर बनाया। वैसे सच्ची में ये काफ़ी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। और सैलेड भी इन्होंने खुद ही कट किया था, टमाटो और खीरे वगैरह जो भी इसमें डालते हैं, और मायोनीज वगैरह तो थी ही, तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बर्गर बन के रेडी हुआ था। हालांकि मैं ना ये बर्गर पिज्ज़ा वगैरह बहुत कम खाती हूँ, तो इन्होंने घर पे बनाया था तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था, लेकिन बाहर की ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। बहुत बहुत ही रेयर चांस है कि मैं ये सब खाऊँ, वरना मैं नहीं खाती। और देखिए बर्गर बनाने हो गए हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ब्रेड के दो हिस्से कर दिए हैं धर्मश्री ने, और उसके बाद फिर लगाया है मायोनीज। तो ये दूसरी वाली मायोनीज है जो थोड़ी तीखी टाइप की होती है, जिसमें नमक और मिर्ची का हल्का सा टेस्ट भी आता है। और जो वाइट सॉस वाली होती है वो हम बाद में लगाएंगे, वो दूसरी वाली होती है। और दूसरी वाली ब्रेड पे लगाया सॉस, तो अच्छे से फैला दिया इनको। और बर्गर को ना कई तरीके से बना सकते हैं धर्मश्री, तो ये दूसरे तरीके से है। वैसे पहले ब्रेड को सेक करके और तब भी बनता है, लेकिन क्योंकि मायनीज वगैरह लगेंगे और चीज़ वगैरह लगाएंगे तो बाद में सेकेंगे इनको। और देखिए टिक्कियाँ रेडी हो गई थी और मैंने इनके बीच में रख दी थी टिक्की। तो बच्चों का ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे, बच्चों को तीखा पसंद नहीं है मिर्ची कम खाते हैं हमारे बच्चे वही। और मेरा वाला जो बनेगा वो काफ़ी तीखा होगा, मैं हालांकि इसके बीच में तीखा तो क्या लगाना है, सिर्फ मसाला वगैरह और सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, खीरा और टमाटर वगैरह लगेंगे। लेकिन जो हरी चटनी होती है ना वो बहुत तीखी होती है, और चटनी तो मैंने आपको पास आपको रेसिपी काफ़ी बार दिखा रखी है, तो मेरी चटनी बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो मैं अपनी चटनी के साथ ही खाऊंगी। और अपने वाले जो मेरा बर्गर होगा उसमें मैं चीज़ वगैरह नहीं डलवाऊँगी, क्योंकि मुझे ये अच्छी नहीं लगती। तो बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद है, तो बच्चों ने अपने वाले बर्गर में सारी चीज़ें लगवाई, और रियल में काफ़ी टेस्टी बर्गर बन के रेडी हुआ था।
बर्गर देखिए बनकर रेडी है, बस इनको सेकना बाकी है। और ये जो तीसरा वाला बर्गर था ना, ये मेरा था, तो मैंने मना किया था कि मायनीज वगैरह मत लगाना, फिर भी उन्होंने लगा दी कि फिर क्या इसको खीरे टमाटर तो तू वैसे ही खा ले, तो इन्होंने ज़बरदस्ती फिर लगा दी उसमें। और ये फिर बस सेकना बाकी बचा था बर्गर का, तो अब बर्गर सेक जाएंगे। और आज ना संडे था, तो हमारा ज़्यादातर संडे ना बच्चों के लिए ही होता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ हम स्पेशल बनाते ही हैं संडे को बच्चों के लिए, क्योंकि पूरा दिन बच्चे बाहर होते हैं, स्कूल चले जाते हैं मॉर्निंग में, फिर ट्यूशन, तो बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और संडे को कुछ स्पेशल बनाने की उनकी फरमाइश हमेशा ही होती है, तो हम कुछ ना कुछ बना देते हैं। तो इस बार बर्गर बनाया था, तो आपके साथ इसकी ये शेयर कर लिया। और अब हमारे सबके बर्गर थे रेडी और हम थे खाने के लिए भी रेडी, तो इतना मोटा बर्गर हो गया कि मतलब खाना भी बहुत मुश्किल होता है बर्गर को। तो देखिए याशी और यश ने शुरू कर दिया था और अब मैं भी खाऊंगी, तो अब हम खाते हैं बर्गर। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और अगर हमारा बर्गर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।